ओपन ट्रायल का हक नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट अपनी माजी की गलती को तस्लीम कर रही है, लेकिन जुल्फकार अली भट्टो को फांसी हुई क्यों? जुल्फकार अली भट्टो को एक नाहक सजा मिली क्यों? जुल्फकार अली भट्टो अमेरिका गए, वहां पर सदर निक्सन के साथ इनकी मुलाकात हुई, सदर निक्सन ने इनका इस्तकबाल किया, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और उसके बाद दोनों एक कमरे में दाखिल हुए। सदर निक्सन ने अपने दो सीनियर वजीरों को बुलाया जो सफारतकारी से ताल्लुक रखते थे। एक कमरे के अंदर इन चारों के दरमियान मीटिंग शुरू हो गई। जब मीटिंग शुरू हुई तो 55 मिनट बाद जुल्फकार अली भट्टो कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे के ऊपर थकावट के आसार नुमाया थे। फिर बाहर में उन जो सीनियर सफारतकार थे उनके साथ मीटिंग होना शुरू हो गई तो जुल्फकार अली भट्टो ने फिकरा बोला, उसने कहा ये अमेरिकन फैंस की अकल लेकर पैदा हुए हैं। एक सीनियर अफसर ने सर उठाया, कहा सर एवरीथिंग इज ओके। जुल्फकार अली भट्टो ने कहा कि मैंने सदर निक्सन को ऑफर करवाई है कि तुम ग्वादर पर अपना नेवल बना लो, ये रशिया से बचने में तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन सदर निक्सन के समझ में ये बात नहीं आ रही। तो सीनियर जो वो वहां पर ऑफिसर था उसने कहा सर हम रशिया के साथ एक हदबंदी का मुआहदा कर रहे हैं और पिछले कई सालों से ये चल रहा है, अगर हमारा वहां पर बैरी बेड़ा पहुंच जाता है तो फिर इन तमाम मुआहदात को, इन तमाम डायलॉग को नुकसान पहुंचेगा। तो जुल्फकार अली भट्टो ने अपने जज्बाती अंदाज ने कहा कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अमेरिका को वहां पर आना पड़ेगा। जुल्फकार अली भट्टो वापस आ गए तो यहाँ पर उनके खिलाफ एक तहरीक चल रही थी जो तमाम पार्टियां मिलकर तहरीक चला रही थी। गली गली में भट्टो को तहाय है के नारे लग रहे थे। तो ऐसी तहरीक में भी जुल्फकार अली भट्टो मुश्किल का शिकार थे। तो ये तमाम मामला पाकिस्तान में चल रहे थे। एक दिन एक सफीर था, वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास गया और उसने कहा कि सर मैंने आपसे बात करनी है। उसने कहा रात किस पैरों का, यह सर बड़ी जरूरी बात है। उसने कहा करो बात। उसने कहा नहीं सर इधर नहीं। वो लेकर लॉन में आया, लॉन में जाके उसने पहले तमाम तरफ देखा, बल्कि थोड़ी थोड़ी दूर जाकर हर कोने में देखा कि वहां पर कोई बंदा तो नहीं छुपा हुआ या कोई डिवाइस तो नहीं है या कोई खुफिया रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। फिर वो सीनियर अफसर बड़ा परेशान था, उसने जूनियर अफसर से कहा क्या कर रहे हो तुम, बात करो। उन्होंने कहा सर बड़ी जरूरी बात है, मैं देख रहा हूँ कहीं हमें यहाँ पर कोई देख तो नहीं रहा या हमारी कोई बात तो नहीं सुन रहा। सीनियर अफसर ने कहा जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे बेचैनी हो रही है। तो शख्स ने कहा कि सर आप अपने मुल्क को बचा सकते हैं तो बचा ले, जुल्फकार अली भट्टो ने रशिया के साथ सौदा कर दिया है और ग्वादर उनके पास जा रहा है। तो सीनियर अफसर चौंका, ये कैसी बात कर रहे हो? उसने कहा सर ये बात मेरे सामने हुई है और इसका सोर्स मैं हूं। जुल्फकार अली भट्टो ने रशिया के साथ मुआहदा किया है कि आप मुझे अपने गार्ड दें, उसके बदले में मैं आपको ग्वादर दूंगा और यहां पर गर्म पानियों का जो खजाना है उसके ऊपर आप बैठे और अमेरिका की भी हदबंदी को देखे और अमेरिका के साथ मामला देखे, और गर्म पानी तो ये उस वक्त रशिया की सबसे बड़ी जरूरत थी। तो उस शख्स ने कहा तो रशिया ही के गार्ड क्यों? तो जुल्फकार अली भट्टो ने कहा कि ये बात थी, या रशिया के सफीर ने जुल्फकार अली भट्टो से पूछी तो उसने कहा जी कि मुझे अपने मुल्क में खतरा है, मुझे पूर्ण आ रही है कि मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही है और मैं यहाँ तक मुहतात हो गया हूँ कि किसी तरफ से मेरा पर्चे ही मुझ पर अटैक ना कर दे या कोई ऐसी सूरत ना पैदा हुई मेरा खान सामा उठे और मुझे वहाँ पर मार ना दे, हर तरफ से मैं घिरा हुआ हूँ अमेरिकन साजिश में। तो अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह स्विट्जरलैंड के गार्ड जाकर रोम में पॉप की जो मदद करते हैं, इस तरह रशिया के गार्ड मेरी यहाँ पर मदद करें। वो शख्स सीनियर अफसर ने जब ये बात सुनी कि रशिया के साथ जुल्फकार अली भट्टो मुआहदा कर रहे हैं तो वो गुलाम साहब खान के पास गया और उनको तमाम बात बताई। गुलाम साहब खान को लेकर जनरल जियाउल हक के पास चले गए, जीएचक्यू के पास, वहां पर तमाम ये बातें वहां पर शेयर हुई कि जुल्फकार अली भट्टो रशिया से गार्ड ले रहे हैं जो उनकी हिफाजत करेंगे और उसके बदले में ग्वादर का सौदा होगा। अगले दिन मीटिंग हुई, मीटिंग के ऊपर जनरल जियाउल हक, जुल्फकार अली भट्टो और दूसरे लोग बैठे हुए थे तो वहां पर बातें होती रही, वी डू सर। फिर जब मीटिंग खत्म होने लगी तो जनरल जियाउल हक उठे। ये 4 जुलाई 1977 की रात थी। इससे पहले एक अशाइया भी जो थे, जब ये सुलतान सदर गुलाम साहब और सीनियर सफीर जो है वो जीएचक्यू में गए थे तो उसके हफ्ते बाद जनरल जियाउल हक ने उस अमेरिकन सफीर को अशाइया भी दिया था और 2 घंटे उनको वहां पर खड़े होकर जनरल जियाउल हक ने ब्रीफिंग दी थी। ये उसके बाद मीटिंग हुई थी 4 जुलाई 1977 को। मैं आपको फिर पॉइंटर बता देता हूँ के सीनियर सफीर के साथ जूनियर सफीर मिला, उसको बताया कि जुल्फकार अली भट्टो इस तरह साजिश कर रहे हैं। वो सदर गुलाम साहब को लेकर जनरल जियाउल हक के पास गया, जनरल जियाउल हक ने अमेरिकन सफीर को अशाइया दिया, वहां पर 2 घंटे लॉन में ब्रीफिंग दी। फिर 4 जुलाई 1977 को ये मीटिंग हुई और जब मीटिंग खत्म होने लगी तो फिर जियाउल हक ने सीने पर हाथ रखा, अजी से झुका और कहा कि सर वफादार गार्ड के होते हुए नए गार्डों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर यही हुआ, वफादार गार्डों ने सुबह सुबह
माशाल्लाह लगा दिया और जुल्फकार अली भट्टो को गिरफ्तार कर लिया और फिर जुल्फकार अली भट्टो जो थे उनको तख्तादार के ऊपर ले जाया गया और आज उसके बारे में फैसला हो रहा है कि जुल्फकार अली भट्टो को ओपन और फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। 93 से लेकर 96 तक ये माजी का किस्सा है कि बेनज़ीर भुट्टो ने वहां पर किस तरह अमेरिकन को वहां पर ग्वादर में सहूलियात दी, वहां पर क्या क्या हुआ, वहां पर सुल्तान कबूल उसका क्या, ये तमाम बातें अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। द्वार के ऊपर यही कुछ लिखा हुआ है कि अमेरिकन ने जुल्फकार अली भट्टो के साथ क्या किया और ग्वादर की कहानी मैंने आपको सुनाई है कि ग्वादर के बारे में जुल्फकार अली भट्टो कि किस तरह एक फैसला उनके खिलाफ चला गया और यहाँ पर वो अमेरिका साजिश का शिकार हो गए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तारीख सबसे बेहतरीन फैसला करती है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जल्द दिलाने के बाद।